to meet a very special lady. She's the queen of social media. ये कलाइडोस्कोप ऑफ बॉलीवुड है क्योंकि इनमें कई रंग है. प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड जेमी लीवर. हेलो अर्चना जी. हेलो शेखर सर. यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. आपको बताऊं, ये शो इतना कमाल का है कि यहाँ पर ना हर पंचलाइन 3 बार बोला जाता है. कैसे? जैसे कमेडियन आता है स्टेज पर तो वो बोलता है कि हाँ, एक हाथी ने चींटी से कहा कि हम दोनों 1 साल के हैं, तो फिर तू इससे कमजोर क्यों लग रही है? तो चींटी कहती है, नहीं वो मैं डाइटिंग पर हूँ. अब यहाँ जो खत्म होने से पहले शेखर सर बोलते हैं, डाइटिंग पे हूँ. फिर कमेडियन बोलता है, डाइटिंग पे हूँ. उसके बाद अर्चना जी बोलती है, डाइटिंग पे हूँ. भैया 2 साल जो हमारे गुजरे बड़े बहुत तकलीफ में गुजरे. कोविड का टाइम था, पर बाकी के जो सेलिब्रिटीज थे बॉलीवुड के वो घर पे बैठकर गॉसिप में लग गए. जैसे फराह जी, उन्होंने सबको फोन लगाया, ओ गॉड या आई एम सो बोर्ड या व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम सो बोर्ड, आई एम एट होम, या मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस खाना पका रही हूँ, इतना खाना पका रही हूँ. मेरे जो वॉचमैन है दिन रात काम कर रहे थे, तो मैंने उनको यखनी पुलाव दिया, तो अपनी पुलाव पका रहे यार. वो लोग बोल रहे कि कल का होगा, नमक कम होगा, चिकन कम होगा, व्हाट इज दिस, चैरिटी करने जाओ नाम खराब होता है. इसलिए मैं 4 रोटी साजिद और शिरीष को खिला देती हूँ, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, यू नो. इतने में अनन्या ने ज्वाइन किया. Hi guys, मेरा एक नया टैलेंट है कि मैं अपना टंग नोज से टच कर सकती हूँ और चिन से भी, लोअर चिन भी टच कर सकती हूँ. उतने गैप में आपको मास्क पहनना होता है क्योंकि उसके ऊपर आते सनग्लासेस और उसके नीचे आता है नेकलेस. दैट इज माई टैलेंट एंड दैट्स माई इंटेलिजेंस. अब इस बात पे कंगना भड़क गई. देखिए देखिए ऐसा होता है, देखिए कैसा होता है, आप ही बताइए. नहीं आप ही बताइए. इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बॉलीवुड बिम्बो. इनको लगता है, इन्होंने सुना है कि औरतों की जबान लंबी होती है, तो क्या जबान कहीं भी घुसाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है. नहीं ऐसा नहीं होता है. जबान चलाई जाती है, जबान लड़ाई जाती है, और जबान फिसलती भी है, जैसे मेरे साथ साथ. अब यहाँ सोनम ने एंट्री ली जूम कॉल पर. हाय गाइस, इट्स सोनम, हाउ आर यू डूइंग? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस कॉल पर. जबान, व्हाट इज जबान, व्हाट इज टैलेंट, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखो मेरे 4-4 जूम कॉल्स हैं, 4 जूम कॉल्स, 1 2 का 4, 4 2 का 1. कल पूरा दिन आई वाज चैटिंग विद पापा, दिना दिन था हो गया. गाइस या प्लीज स्टॉप इट. अब फाइनली आशा जी ने कॉल पर एंट्री ली. देखो किस तरह से इस फोन कॉल पर सारे बच्चे जबान लड़ा रहे हैं. देखो हमारे जमाने में जुबान नहीं लड़ाया करते थे, सीधे बाल खींचते थे. देखो कोविड का माहौल है, कोरोना चल रहा है, हमें ध्यान देना होगा. और बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे मैं बताऊं, गले में खराश होती है. अब जो है सांस की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर जाता है. जैसे नीचे हो गया तो हाय दया. फिर मान लो 94 पे आ गया तो है ना. और अगर 92 पे आ गया, अब अगर उससे भी कम हो गया तो हॉस्पिटल भागना पड़ेगा. रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा. Thank you. So let's hear it one more time for that amazing performance by our Sarpanch.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.